हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम बनाएंगे आलमंड चिक्की, जो कि बनाना बहुत आसान है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। यह ऐसी फर्स्ट रेसिपी है जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलमंड चिक्की बनाना। आलमंड चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 1.5 कप आलमंड, और अब हम इसे इस तरीके से बीच से 2 टुकड़े में कर लेंगे। और हम इसी तरीके से सभी आलमंड को कट कर लेंगे। हमें बस इसे 2 टुकड़े में करना है, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पर हम सभी आलमंड्स को कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आलमंड चिक्की बनाना स्टार्ट हम आलमंड चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलमंड्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पैन को पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और हम इसे 2-3 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम आलमंड्स को 3 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और आलमंड्स को पैन से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ लिए वही सेम पैन, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और घी को मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। हम घी को पूरे पैन में सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, चीनी को हम लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए आलमंड। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, और यह खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगा। और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी आलमंड चिक्की बन चुकी है। हमने इसे पूरे 7 मिनट तक चाशनी में डालने के बाद पकाया है, और अब इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। यह अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़े से ठंडे पानी में भी डालकर चेक कर सकते हैं। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ हम एक लिए हैं रोटी बनाने वाला बड़ा सा चकला, और इस पर हमने ढेर सारा घी लगा लिया है। और अब इस पर हम डालेंगे अपने आलमंड्स का मिश्रण, और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, और हम स्पून से इसे अच्छे से सेट भी कर लेंगे साइड से भी। और यहाँ पर हम बेलन में घी अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, और इससे इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने से हमारी चिक्की अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेट हो जाएगी, और हम इसे थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे इससे। और बेलने के बाद हम इसे तुरंत गर्मा गर्म कट कर लेंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद यह टाइट हो जाएगा और यह कट नहीं होगा, इसलिए हम इसे तुरंत ही कट करेंगे।
और ये देखिए यहाँ पर हम चिक्की में अच्छे तरीके से निशान लगा लिए हैं और अब हम इसे इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और हम इसे इस तरीके से तोड़ भी लेंगे। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागू न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चनकाई, अब तो ये देखिए हमारी आलमंड चिक्की बनकर तैयार है। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।